hello friends welcome to anacademy gate mepi XE. this is your educator aproop rao and you are watching concepts in minutes and in this video we are going to talk about impact testing of materials yes in this video i am going to tell you what exactly is impact testing how it is carried out and why it is carried out it is in the syllabus of gate mechanical and gate civil टेस्टिंग ऑफ मटीरियल गेट मैकेनिकल और सिविल के सिलेबस में ये टॉपिक है टेस्टिंग ऑफ मटीरियल जिसमें आपको तीन तरीके के टेस्टिंग इम्पैक्ट टेस्टिंग एंड हार्डनेस टेस्टिंग आई हैच ऑफ दीज टेस्टिंग प्रोसीजर्स गो वॉच द अदर वीडियोज ऑल्सो ओके और अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं इफ यूर वॉचिंग मी फॉर द फर्स्ट टाइम तो एक क्विक

So, toughness is the ability of a material to absorb strain energy without fracture. Whenever a material is subjected to load, it deforms. And when it deforms, it absorbs some energy. That energy is known as strain energy. Now, toughness is the ability of a material to absorb strain energy without fracture. हाउ मच एनर्जी इज द मटीरियल गोइंग टू अब्जॉर्ब बिफोर फ्रैक्चर कितनी एनर्जी एक मटीरियल अब्जॉर्ब कर सकता है फ्रैक्चर के पहले एंड हाउ इट इज कैलकुलेटेड इट इज कैलकुलेटेड इन टर्म्स ऑफ मॉड्युल टफनेस टफनेस को हम मॉड्यूल्स ऑफ टफनेस के टर्म्स में कैलकुलेट करते हैं विच इज इक्वल्स टू स्ट्रेन एनर्जी स्टोर पर यूनिट वॉल्यूम अप टू फ्रैक्चर फ्रैक्चर होने तक मटेरियल कितना स्ट्रेन एनर्जी स्टोर करता है पर यूनिट वॉल्यूम दैट इज मॉड्यूलस ऑफ टफनेस नाउ द क्वेश्चन इज व्हाई एग्जैक्टली दिस प्रॉपर्टी इज इंपॉर्टेंट टफनेस की आपको डेफिनेशन तो समझ में आ गई बट सिग्निफिकेंस क्या है टफनेस मैं क्यों मेजर कर रहा हूं वॉट एग्जैक्टली इट सिग्निफाइज सो बेटा वेन एवर मटीरियल इज सब्जेक्टेड टू स्टैटिक लोड हाउ मच लोड इट कैन सस्टेन दिपेंड्स अपॉन द स्टैटिक स्ट्रेंथ ऑफ द मटीरियल्ड स्ट्रेंथ एंड अल्टीमेट स्ट्रेंथ अगर एक मटीरियल पे स्टैटिक लोड लग रहा है तो वो कितना लोड सह सकता है वह डिपेंड करता है उसके ईल्ड स्ट्रेंथ या अल्टीमेट स्ट्रेंथ पे राइट जितना ज्यादा ईल्ड और अल्टीमेट स्ट्रेंथ उतना ज्यादा इट कैन अब्जॉर्ब इट कैन सस्टेन द स्टैटिक लोड But when a material is subjected to impact load, then how much load you can apply that depends upon how much energy the material can absorb. Now you will ask me what is impact load. So let me first tell you impact load then I will then I will explain this concept. So impact load is any load which is not static which is moving. There are two types of load: static load and moving load. static load means Let's say this body is resting on my hand. So, the weight of this body is static. So, it is a static load on my hand. But if I drop this thing on my hand, so when it will strike my hand, that same weight will now become impact load, moving load, dynamic load. So, impact load or dynamic load are moving loads. When they strike the body, they have some velocity. Example, ड्रॉपिंग अ बॉडी ऑन समर बॉडी और हैमरिंग अ बॉडी सो बेटा दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ इंपैक्ट लोड और टू गियर्स वेन दे अप्लाय फोर्स ऑन ईच अदर वाइल मूविंग एक गियर दूसरी गियर पे जो मूव करते टाइम फोर्स लगाता है दैट इज ऑल्सो इंपैक्ट लोडिंग सो मोस्ट ऑफ द टाइम बेटा मूविंग बॉडीज अप्लाई इंपैक्ट लोड ऑन ईच अदर राइट अब इंपैक्ट लोड के केस में हाउ मच इंपैक्ट लोड यू कैन अप्लाई ऑन द मटेरियल दैट डज नॉट ओनली डिपेंड अपॉन यील्ड एंड अल्टीमेट स्ट्रेंथ इट आल्सो डिपेंड्स अपॉन हाउ मच एनर्जी इट कैन स्टोर अप टू फ्रैक्चर जितना ज्यादा मटेरियल एनर्जी स्टोर कर सकता है फ्रैक्चर से पहले आप उसके ऊपर उतना ज्यादा इंपैक्ट लोड लगा सकते हो जितना कम स्ट्रेन एनर्जी स्टोर करेगा उतना कम आप इंपैक्ट लोड लगा सकते हो So, it means that toughness is the measure of how much impact load you can apply on a material. If the toughness is more, you can apply more impact load. If the toughness is less, you can apply less impact load. Okay? So, I hope that the definition of toughness and the significance of toughness is understood. Now, in order to measure the toughness of a material, we carry out impact testing. And there are two types of impact testing ISO test and Charpy test. Now the basic concept behind both the testing are same. The basic concept of This is the machine which we use to carry out the impact test. Whether it is Izod test or Charpy test the machine is same, the testing equipment is same. So you can see that this is a machine. Now this is a hammer. Can you see? This is a hammer. Now we put the specimen here okay we put the specimen here and what do we do we strike this specimen using this hammer so that the specimen fractures and then we measure how much energy the specimen stored before fracture now how we are going to do that how we are going to find how much energy this specimen is going to store before fracture so understand

फ्रॉम दिस स्पेसिमेन ओके और फ्रॉम द बेस नॉट द स्पेसिमैन फ्रॉम द बेस यू कैन सेट द इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस है हाइट ऑफ अ बॉडी फ्रॉम द ग्राउंड इट विल स्टोर सम पोटेंशियल एनर्जी अगर आप किसी बॉडी को ग्राउंड से ऊपर उठा रहे हो मतलब वो कुछ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर कर रहे हैं राइट सो दिस इज द इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस हैमर now what we are going to do is we are going to release this hammer so when we release this hammer this hammer is going to this hammer is going to rotate about this hinge it will rotate about this hinge like this and it will strike the specimen it will break the specimen and when it will break the specimen if the specimen is broken this hammer will go here right if the specimen is not broken then the hammer will stop here बट इफ द स्पेसिमैन इज सॉरी नॉट ब्रोकन देन स्पेसीयर अगर स्पेसीमैन नहीं टूटता तो हैमर यहां अटक जाता बट स्पेसीमैन जैसे ही टूटता है ओके ना बेटा अंडरस्टैंड लेट्स फाइनल पोजिशन ऑफ हैमर अंडरस्टैंड वॉट हैपन्ड आई रिलीज द स्पेसीमैन फ्रॉम हिय सो इट केम हियर इट स्ट्राइक्स द स्पेसिमैन इट ब्रेक्स द स्पेसीमैन एंड देन इट मूव अप टू दिस पॉइंट बेटा दिस टाइम इट विल नॉट राइज टू दिस हाइट एच विकॉज बेटा पोटेंशियल एनर्जी इट है स्पेसिमेन अंडरस्टैंड क्या हुआ जो यहां पोटेंशियल एनर्जी थी अब वो पोटेंशियल एनर्जी थोड़ी खर्च हो गई है अब उसमें से थोड़ा पार्ट जो है वो स्पेसिमेन में स्टोर हो गया है किस फॉर्म में स्ट्रेन एनर्जी के फॉर्म में तो अब ये जब दूसरी बार उठेगा तो इतना नहीं उठेगा इट विल ओनली राइज टू दिस ओके नाउ दिस चेंज इन एनर्जी एमजीएच माइनस एमजीएच इज इक्वल टू स्ट्रेन एनर्जी स्टोर इन स्पेसिमेन एनर्जी लॉस्ट बाय हैमर इज इक्वल टू स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन स्पेसीमैन और यह कितना रहेगा मेरे भाई इट विल बी इक्वल टू एम जी इंटू कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच राइट सो बेटा दिस इज अ वेरी सिंपल एक्सपेरिमेंट आपको आप क्लियर हो गया होगा हम कर क्या रहे हम हैमर से स्पेसिमैन को ठोक रहे हैमर का चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी नाप रहे हैं जो एनर्जी में चेंज हो रहा है वो क्यों हो रहा है क्योंकि स्पेसिमेन में कुछ एनर्जी स्टोर हो गई है नाउ इफ यू आर थिंकिंग दैट इन व्हाट फॉर्म द एनर्जी स्टोर्ड इन द स्पेसिमैन बेटा इट इज इन द फॉर्म ऑफ डिफॉर्मेशन हैमर वेन इट स्ट्राइक्स द स्पेसिमैन द स्पेसिमैन स्लाइटली एंड इट विल फ्रैक्चर डिफॉर्मेशन यू आर गेटिंग जो डिफॉर्मेशन मिल रहा है उसी से एनर्जी स्टोर हो रही है ओके सो बेटा the energy stored in the specimen is the measure of the toughness. It will be modulus of toughness. Now the question is that what is the difference between izod and charpy test so understand beta everything is same the difference is how we put the specimen in the machine machine may specimen ko kaise fit kar rahe. that is the difference between izod and charpy test so understand in case of izod test we put the specimen like this so you can see that one end of the specimen is fixed एंड अदर एंड इज फ्री वन एंड इज फेक्स एंड अदर एंड इज फ्री सो वट इज दिस अरेजमेंट बेटा इट इज लाइक अरेजमेंट ये कैसा अरेन्जमेंट है मेरे भाई ये एक कैंटीलिवर सॉर्ट ऑफ अरेन्जमेंट है ओके नाउ इन केस ऑफ चारेस्ट आई एम पुटिंग द स्पेसिट लाइक दिस एंड आई एम हिटिंग इट लाइक दिस सो वॉट टाइप ऑफ अरेजमेंट इज दिस इट इज अ सिंपली सपोर्टेड टाइप ऑफ अरेजमेंट इट इज अली सपोर्टेड टाइप ऑफ अरेजमेंट सो बेटा द ओनली डिफरेंस बिटवीन आइजोड एंड चार हाउ यू आर पुटिंग द स्पेसिमेन ऑल्दो द साइज ऑफ स्पेसिमेन इज ऑल्सो डिफरेंट बट दैट इज नॉट द मेजर डिफरेंस द मेजर डिफरेंस इज हाउ यू आर पुटिंग द स्पेसिमेंट मेजर डिफरेंस क्या है दोनों में कि आप स्पेसिमेन को लगा कहां कैसे रहे हो तो एक केस में हम इसको कैंटीलिवर की तरह रखते हैं एक एंड फिक्स कर देते हैं और यहां हिट करते हैं बेटा ये फ्री एंड पे हिट करते हैं और दूसरे केस में हम इसको सिंपली सपोर्टेड बीम की तरह पुट कर देते हैं और हम इसको हिट करते हैं सेंटर पे लाइक दिस ओके तो आप ये बोल सकते हो यहां ये कैंटीलिवर बन गया है और यहां ये सिंपली सपोर्टेड बीम बन गया है सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन आईजॉड एंड चार पी टेस्ट अब आपको बहुत ज्यादा डिटेल में घुसने की जरूरत नहीं है क्योंकि एग्जाम में वैसे तो आज तक इन टेस्ट के ऊपर कभी क्वेश्चन नहीं आया है बट अगर आएगा तो आपको कुछ एक मार्क का क्वेश्चन आएगा और आपको इस कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन आएगा कि आईजॉड चेस्ट चार पी टेस्ट ये क्या है

टाइप दिस टाइनी आर एल डॉट कॉम स्लैश अप्रूव टेन और आपको मेरी सारी फ्री क्लासेज और उनके नोट मिल जाएंगे मैंने स्ट्रेंथ ऑफ मटीरियल पे क्लास लिया एफटेकन क्लास ऑन स्ट्रेंथ ऑफ मटीरियल मशीन डिजाइन इंजीनियरिंग मैकेशीस वाइब्रेशन सो यू विल गेट फ्री लेक्चर एंड नोट्स ऑफ ऑल दीज सब्जेक्ट्स इफ यू ओपन दिस वन पेज हाउ टू ओपन दिस वन पेज जस्ट लाइक यू ओपन फेसबुक और यूट्यूब यू जस्ट टाइप फेसबुक डॉट कॉम enter and you open the facebook right So just like that write this tinyurl.com slash approved and enter and you will open this page and you are going to find all my classes well organized in these excel sheets you can also download ebooks of different subjects okay and if you want to know about my upcoming classes then just follow this telegram channel open your telegram app

on india's number one learning platform which is an academy what you are going to get here you are going to get on-time classes daily assignments online test series question banks doubt clearing sessions personal guidance so you will just feel like you are sitting in classroom you will feel like you are having a classroom experience so if you want that experience take an academy plus subscription the best thing about it is

एक साल का या डेढ़ साल का या दो साल का और आप ये कोड यूज कर सकते हो इन ऑर्डर टू गेट टेन परसेंट ऑफ आपको टेन परसेंट ऑफ मिलेगा एंड साथ में आपको मिलेगा मेरा पर्सनल गाइडेंस तो आप अगर आप मेरी पर्सनल गाइडेंस में पढ़ना चाहते हो यूज दिस कोड एंड टेक द सब्सक्रिप्शन आप चाहें तो आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं जिसमें आपको एक पर्सनल कोच मिल जाता है जो कि आपको पर्सनल लेवल पे हेल्प करता है यू मेकिंग द शेड्यूल्स

कमेंट्स में लिखना न भूलिएगा एंड आई विल मेक श्योर कि उसके ऊपर भी मैं एक ऐसा ही कॉन्सेप्ट इन मिनट्स का वीडियो बनाऊं थैंक यू सो मच आई विल सी यू इन सम अदर वीडियो टिल देन बाय बाय टेक केयर